जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 20 सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, उदय शंकर किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए नृत्य, बी गाना, सी संगीत, डी तलवारबाजी। आपका सही जवाब है ए नृत्य। आपका अगला सवाल है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी सिंध, सी लाहौर, डी बनास। आपका सही जवाब है ए हड़प्पा। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प की है? आपके ऑप्शन है ए कमल, बी गुलाब, सी चमेली, डी गेंदा। आपका सही जवाब है ए कमल। आपका अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए न्यूटन, बी डॉल्फिन, सी लॉर्ड कर्नन, डी लॉर्ड क्रेंज। आपका सही जवाब है ए न्यूटन। आपका अगला सवाल है, भारतीय मानक समय आधारित है? आपके ऑप्शन है ए 82° 30' पूर्व देशांतर पर, बी 82° 30' पश्चिम देशांतर पर, सी 82° 30' उत्तर देशांतर पर, डी 82° 30' पूर्व अक्षांश पर। आपका सही जवाब है ए 82° 30' पूर्व देशांतर पर। आपका अगला सवाल है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। आपका सही जवाब है ए अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? आपके ऑप्शन है ए देहरादून, बी पटना, सी निकोबार, डी दिल्ली। आपका सही जवाब है ए देहरादून। रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब है ए डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर। आपका अगला सवाल है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी, डी विटामिन ए। आपका सही जवाब है ए विटामिन सी। आपका अगला सवाल है, लक्षद्वीप की राजधानी है? आपके ऑप्शन है ए करवती, बी पटना, सी निकोबार, डी दिल्ली।
आपका सही जवाब है ए करवती। आपका अगला सवाल है, होली का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार निम्न में से किस माह में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए माघ माह में, बी फाल्गुन माह में, सी पौह माह में, डी ज्येष्ठ माह में। आपका सही जवाब है बी फाल्गुन माह में। आपका अगला सवाल है, होली को निम्न में से किस ऋतु की शुरुआत माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए ग्रीष्म ऋतु की, बी शीत ऋतु की, सी वसंत ऋतु की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी वसंत ऋतु की। आपका अगला सवाल है, होली का त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए एक दिन, बी दो दिन, सी तीन दिन, डी चार दिन। आपका सही जवाब है बी दो दिन। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में होली को याओसांग के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए मणिपुर, बी असम, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। आपका सही जवाब है ए मणिपुर। आपका अगला सवाल है, 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए मुक्केबाजी, बी बास्केटबॉल, सी बिलियर्ड्स, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी बास्केटबॉल।